हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड एंड आई एम फाइन आल्सो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉकडाउन क्लासेस पार्ट वन रेशनल नंबर्स। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स नो व्हाट इज लॉकडाउन एंड आई हैव प्रिपेयर्ड प्लेलिस्ट फॉर लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस। यू कैन वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। So hopefully all of you are very good and start the class, and class name is a rational number. As my dear student, class name is a rational number. Today we will discuss about rational numbers and some questions on rational numbers. First we will define that which numbers are called rational numbers. My dear students, listen carefully and hopefully and I hope that all of you will be understand with good intent. Rational numbers, which numbers are in the form of p by q, which numbers are in the form of p by q, that number are called rational numbers. In hindi english dono class chalega, aisa na soche ki keval english mein chalega. Jo sankhya p bate q ke roop mein hoti hai, ji ha my dear students, jo sankhya p bate q ke roop mein hoti hai unhe hum bolte hain rational number. Jaise ki हमने लिख दिया 2/7, 1/8, -1/2, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। बट हेयर इज वन कंडीशन, यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो p by q आपने लिखा, p का मतलब ये न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हम बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं हर। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, 2/7 है तो जो ऊपर रहता, अगर हम बात करेंगे ऐसे तो जो ऊपर रहता उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश वर्जन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्लास उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो भी घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट ही घर पर बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। जब तक स्कूल कॉलेज की छुट्टी है तो सारे स्टूडेंट, यूपी टेट, सी टेट, जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट दोस्त, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और व्यूज पाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप घर पर बैठे हुए हैं तो कम से कम एक नोट कॉपी बना लीजिए और डेली उन कॉपीज पर मेरे इन क्वेश्चंस को नोट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई भी डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आप अबाउट पे जाएंगे मिल जाएगा, वहां पे सेंड कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज को अगेन। तो परिमेय संख्या, जो संख्याएं पी बट्टे क्यू के रूप में होती है उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। 2/7, 4/8, 3/3, सारी की सारी परिमेय संख्या है। और एक बात और, जीरो भी एक परिमेय संख्या, भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीरो इज ए रेशनल नंबर आल्सो, जीरो इज ए रेशनल नंबर आल्सो। एंड नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चंस को लेंगे और धीरे धीरे जो भी आएगा उस पर हम बात करते रहेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये आता है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस टूडे, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तीनों का अर्थ एक ही होता है और तीनों का मतलब ये होता है कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हमने दे दिया 35/49, ये दे दिया पहला का पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 40/70। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया -12/14। ये आपके सामने क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू से दैट अगर इसको, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यह भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको हम, ये 5 से कट जाएगा एकदम से, 35 इज डिविजल बाई 5, 100% करेक्ट, बट 49 इज नॉट डिविजल बाई 5। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट वी विल कट इट by 5 and that will be by 7, you are wrong. It is divisible by 7 and it is divisible by 7 also. यानी कि अगर एक 5 से कटा तो ये वाला भी 5 से कटना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से हम इसको 7 से कट करते हैं, 7 5 जा 35 7 7 जा 49, तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/7, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/7। एंड व्हाट इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, अगर जीरो और अंश और हर दोनों में है, यानी कि जीरो इज अवेलेबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट विल बी कैंसिल। लाइक हियर,
0 कैंसिल एंड आंसर विल बी 4/7 आंसर विल बी 4/7 इफ 1 माइनस इज गिवन हियर अगर केवल एक माइनस दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसके आंसर माइनस आएगा 2 माइनस है 4 माइनस है 6 माइनस है तो उसका आंसर प्लस आएगा डेफिनेटली यहां पे तीसरा देख लेंगे हम -12/14 दे रखा है ना तो 2 6 = 12 2 7 = 14 -6/7 इज आवर करेक्ट आंसर इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को मात देख सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है आप अंश और हर में चेक करिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जा रही है तो जो दोनों से कट जाए उसी तरीके से आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो आइए लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि इक्वल है कौन सा रेशनल नंबर इक्वल है और कौन सा रेशनल नंबर इक्वल नहीं लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का जैसे कह रहा क्वेश्चन लिख दें विच ऑफ द रेशनल नंबर्स आर इक्वल कौन सी जो है परिमेय संख्या यहाँ पे क्या है इक्वल है अर्थात बराबर है तो हमने देखा पहला जो क्वेश्चन मेरा है 8/-12 and -10/15 ये हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे -3/9 and -7/21 ध्यान से आप देखिए कर कैसे सकते हैं इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं एस माय डियर स्टूडेंट्स इसको करने के 3-4 तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक दो तरीका बता रहा हूं आप उस तरीकों से समझ लीजिएगा एक होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें कर देते हैं ठीक है और एक बात मैं आपसे बता दूं कहीं अगर कोई पूछ ले 0 और -12 में कौन बड़ा तो दोस्तों ये 0 बड़ा है ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कोई पूछ लिया कि 0 और -12 में कौन बड़ा तो 0 यानी कि जो 0 तो माइनस वाली संख्या से अधिक होता है अगर -12 और -14 में कोई पूछ लिया कौन बड़ा है तो फ्रेंड्स ये -12 बड़ा है अगर किसी अंक के सामने माइनस लगा हुआ है छोटा है तो उतना ही बड़ा माना जाता है अब देखेंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 का 8 में करेंगे तो 15 × 120 हो जाता है कितना हो जाता है 120 और -12 -10 ये भी हो जाता है 120 फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि यह भी 120 आ गया इधर वाला भी और इधर वाला भी यानी कि ये है इक्वल क्या है फ्रेंड्स इक्वल इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख कर कर सकते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं ध्यान से देख लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूं 8/-12 है ना इसको काटेंगे 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 -2/3 आया इधर 10/15 है 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 -2/3 इस केस से भी -2/3 यानी कि ये भी इक्वल हो जा रहा है ये दोनों तरीका आप जान लीजिए यहाँ पे ऐसे करेंगे ध्यान से देखिएगा -21 का -3 में करेंगे तो 63 हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते समय वो प्लस हुआ तो आप सभी जानते हैं और 9 7 = 63 ये भी बराबर हो गया इन केसेज में दोनों क्या हो गए बराबर हो गए अगर नहीं बराबर रहता तो लिख देते नॉट इक्वल तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जब तक लॉकडाउन क्लासेस चलेंगे आपका जब तक आपकी स्कूल की छुट्टी है कहीं नहीं जा रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और डेली मैं एक दो वीडियो अपलोड करूंगा टाइम मिलने पर जब भी टाइम जैसा भी मिलता है या फिर देखूंगा लाइव चलाने का तो आप जो है चैनल पर बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें आइए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 3 बताने वाला हूँ इसमें डाउट में रहते हैं इन तरह क्वेश्चन में डाउट सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया चलिए बस एक सेकेंड थोड़ा सेट कर लें कैमरा थोड़ा सा हिल जाता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है क्या किया जाए बस चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एस माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है फाइंड एक्स सच दैट यानी कि आपको फाइंड आउट करना x का वैल्यू एस माय डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं जैसे यहाँ पे पहला है -1/5 = 8/x यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 7/-3 = x/6
इसमें हम एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। दो को एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन करवा दूंगा, आप पहले इसको समझ लीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे ही इसका इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, और मल्टीप्लाई करते समय अगर वन माइनस है तो माइनस हम यूज करेंगे, अगर दो माइनस हो वहां प्लस। यहाँ पे एक्स का वन में करें तो यहाँ एक माइनस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एट इंटू फाइव हो जाएगा फोर्टी, एट इंटू फाइव क्या हो जाएगा फोर्टी, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा यह माइनस उधर जाएगा तो माइनस फोर्टी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो वो बात सही है, माइनस उधर जाता है प्लस तो हो जाता है, वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे माइनस अंक के साथ जाएगा तो ही प्लस होगा, नहीं तो प्लस नहीं होगा। जैसा कि ये देख सकते हैं माइनस एक्स है ना, यहाँ पे माइनस एक्स है तो केवल माइनस जाएगा तो यहाँ पे माइनस, अगर ये कहीं लिखा रहता माइनस फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन कहीं ये रहता तो एक्स इज इक्वल टू टेन, या माइनस पर उधर जाके प्लस फोर तो एक्स का वैल्यू आता टेन और फोर मिलकर फोर्टीन, इस तरीके का केस वहां पर बनता, तो डाउट में आप ना रहे। सेकेंड क्वेश्चन सेवन बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स बाई सिक्स, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सिक्स या फोर्टीन टू, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू माइनस थ्री का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री एक्स। होपफुली आर आर ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग विथ गुड इंटेंट। सेवन इंटू सिक्स सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू एंड माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू एंड माइनस थ्री इज मल्टीप्लाइंग हियर माइनस थ्री एक्स के साथ। अगर इस चीज को समझ लीजिए दिमाग लगाकर, यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी इस तरीके से सटर है तो उधर ये मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा तो माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री से काटेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा, माइनस फोर्टीन हमारा आंसर आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपका आपको करवा रहा हूँ इस तरह का, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, कम से कम सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन हो जाने चाहिए लॉकडाउन 14 अप्रैल तक, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और सभी स्टूडेंट को बता दें कि बैजनाथ सर का क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया है तो सभी लोग देखें, ठीक है। एक और लेता हूं मैं क्वेश्चन थ्री, 16 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, 16 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम वन करते हैं, क्या करते हैं वन करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 16 वन जा 16 और माइनस फोर का एक्स में करेंगे माइनस फोर एक्स, 16 वन जा 16 माइनस फोर का एक्स में करेंगे माइनस फोर एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 16 मैंने आपको बताया एक्स के साथ जो बगल में उधर जाके डिवाइड करता है, एस माई बी एल उधर जाके क्या करता है डिवाइड, यहाँ पे माइनस फोर आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू फोर वन जा फोर फोर जा फोर जा 16 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका माइनस फोर। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, आर फुली समझ में आ ही रहा होगा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर लॉकडाउन क्लासेस पार्ट वन, आपको कैसा महसूस हो रहा है, मेरे द्वारा क्लास स्टार्ट किया गया कमेंट जरूर करें, और ताकि मैं मोटिवेट में और भी अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक करवा सकूं आपको। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं यहाँ पे, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरीके का, इस तरीके और इस तरह का साइन लगाएं, यानी कि बड़ा छोटा बराबर का साइन लगाएं, तो इस तरीके का जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह कर दीजिएगा, छोटा होगा उसके तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसका माइनस थ्री बाई सेवन, माइनस थ्री बाई सेवन सिक्स बाई माइनस थर्टी, ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन ईयर, फाइव बाई माइनस थर्टीन एंड माइनस थर्टी फाइव बाई नाइनटी वन, एंड हेयर इज क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड हेयर इज क्वेश्चन नंबर थ्री, माइनस टू माइनस थर्टीन बाई फाइव, हेयर इज माइनस थ्री बाई सेवन एंड हेयर इज सिक्स बाई माइनस थर्टीन। फर्स्ट वी विल इक्वल डिनोमिनेटर, आवर फर्स्ट वर्क इज दैट फर्स्ट डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल इन आर केसेस,
थिंक इन योर माइंड, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल इन एवरी केस, अंडरस्टैंड। यानी कि हिंदी में बात करेंगे कि जो इसका हर होना चाहिए, हर केस में दोस्तों बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ सेवन है ना, तो सेवन का मल्टीप्लाई आप इन दोनों में करा दीजिए। यहाँ थर्टीन था ना, तो थर्टीन का मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पे करा दीजिए। आपको बस यही करना है। तो क्या हो जाएगा, थर्टीन थ्री जा 39 और 13 इंटू सेवन 91, फिर 6 इंटू सेवन 42 और 13 इंटू सेवन 91। थिंक विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, आर द इक्वल, या बड़ा कौन सा छोटा। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको भी एक तरीका बताया है, ये जो ये है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट हो चुका है, अब इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अब आपको न्यूमरेटर से मतलब, -39 एंड -42, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। दोस्तों मैंने आपसे एक चीज बताई है कि ये जो होता है -42 है ना एंड -39, दोनों में से ये वाला बड़ा होगा -39। तो आप इस तरह का साइन इधर आप कर दीजिए, ओके। यानी कि ये वाला जो पहला जो पार्ट था वो वाला आपका जो है, ये वाला बड़ा, वो वाला क्या छोटा है, माइनस जितना भी छोटा रहता उतना ही बड़ा माना जाता है, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक कंडीशन बताया है कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए हर केस में। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। सबसे पहले इसको काट के छोटा कर दीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 7 5 39 और 7 13 91। हेयर इज 5 by -13, हेयर इज माइनस। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट, सर क्या करिए, माइनस को ऊपर लेके चले जाइए, -5 by 13, और यहाँ भी है -5 by 13। कुछ भी आपने नहीं किया, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हम बात करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि हो सकता है दिखाई देगा। इसके नीचे हम क्या करेंगे, -2 by 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, -2 by 1। मैंने क्या बताया है, डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है। एस माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वल डिनोमिनेटर 5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई आप यहां करा दीजिए, और यहां 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए। ऐसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होता है, 5 2 जा 10 by 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या बचा 13 1 जा 13 by 5 1 जा 5। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि डोंट थिंक अबाउट डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर के बारे में आप ना सोचो, थिंक अबाउट न्यूमरेटर ओनली, -10 -13, विच इज ग्रेटर, यार कौन सा दोनों में बड़ा है। तो दोस्तों दोनों में -10 बड़ा है, तो ये माइनस इधर वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो होपफुली बताइए आप सभी, पहले आज का पहला क्लास लॉकडाउन का आपको कैसा लगा। ये क्लास उन स्टूडेंट्स को समर्पित है जो कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। तो बस काफी हार्डवर्क लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है कि बस बना दिया फिर ऐसे कर दिया, अगर ऐसा ही रहता तो सभी लोग कर देते, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग बस होपफुली अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से बच कर रहे हैं।